सिविल सर्विस में क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग नहीं आ पाते हैं। क्या नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो अभी मेरा कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है जो कि नेगेटिव निकला है, थैंक गॉड। और उधर सर ने भी अपना टेस्ट करवा लिया है, मुझे फ़ोन कॉल आया था। और ये सब इसलिए क्योंकि अगर इतने इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में फेस एक्सप्रेशंस मिसिंग हो तो कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। तो इस इंटरव्यू से तीन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जानने को मिली है वो ये है, पहला कि एक IPS ऑफिसर बनने के लिए माइंडसेट और सोच किस तरह का होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो हमें जानने को मिली है वो ये कि किस टाइप के फैसिलिटीज़ इंश्योरेंस वगैरह ऑफिसर्स को मिलते हैं। और उससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट सीख जो प्राइवेट कंपनीज को लेनी चाहिए वो ये कि कैसे इंटरनल पॉलिसीज़ के ज़रिए एक स्ट्रक्चर बना के एक दूसरे का पैसे का मदद कर सकते हैं, ये चीज़ प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉय को भी सीख लेनी चाहिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, IPS बनने के लिए जनरल नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स आपका बेस्ट होना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट में आप ठीक ठाक भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ें एनालाइज करके फिर आंसर देना होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि जिनका जवाब आपको किताब में नहीं मिलेगा। और आगे इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि बहुत खूबसूरती से एग्जाम्पल के साथ हमको कसिर जी ने समझाया है। सो यस, वी आर गोइंग टू इंटरव्यू कमिश्नर ऑफ पुलिस रेलवेज। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो सिक्योरिटी चेक वगैरह के बाद हम फोर्थ फ्लोर पे आ गए हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जहाँ आप देख सकते हैं सारे पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, यहीं पे सर का ऑफिस भी है। सो लेट्स गो इनसाइड नाउ एंड स्टार्ट द इंटरव्यू। हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम हियर विद कमिश्नर ऑफ पुलिस रेलवेज मिस्टर कसिर खालिद फ्रॉम मुंबई। दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वील आस्क क्वेश्चंस व्हिच कॉमन मैन कैन रिलेट टू। हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो कई स्टूडेंट्स के मन में रहता है, कई लोगों के मन में रहता है, तो ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। सो वेरी गुड आफ्टरनून, एंड पहला क्वेश्चन बिफोर वी गेट इनटू द डीपर, जो गहरे सवाल है हम बाद में करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड यू परस्यू IPS, एंड वॉज इट अ गोल फ्रॉम बिगनिंग या फिर कुछ लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से आपने डिसीजन लिया कि हाँ अब IPS करना है? आई थिंक हर आदमी को लाइफ में एक ड्रीम होना चाहिए जी, और उस ड्रीम को एक्चुअलाइज करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए उसने कोशिश करनी चाहिए। लाइफ में आप जिसको कहते हैं कि एक्सटेसी या हैप्पीनेस या एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट तभी आती है जब आप एक ड्रीम के पीछे भागते हैं, उसको परसू करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर दौड़ते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप इन तमाम एफर्ट के ज़रिए उस मंजिल तक पहुँच जाते हैं, उस गोल तक पहुँच जाते हैं। तीसरी चौथी क्लास में हुआ जब पहली बार हमारे स्कूल में एक IAS ऑफिसर थे चौहान साहब, वो आए और उन्होंने हम लोग को एड्रेस किया था। तो जो लेवल ऑफ नॉलेज, जो कॉन्फिडेंस, जो पॉइस और जो उनकी प्रेस्टीज लोगों के नज़रों में थी और जो अफेक्शन उनको मिल रहा था, उसको देख के मुझे लगा कि एक अच्छा करियर, मतलब द ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर इम्पैक्टेड प्रभाव छोड़ेगा आपको। एग्जैक्टली, एंड नॉट ओनली दैट, the capability to get work done, right, very important, very important कि आपको, आप किस position पे हैं और आप समाज को कैसे affect करते हैं। as a student वो अगर student को affect कर सकते हैं, वो teaching community को affect कर सकते हैं, वो rural development के चीज़ों को affect कर सकते हैं। जब मैं आपको देखूंगा कि मैंने थोड़ी सी कोशिश की, आपने वो अपनी मेहनत की और आप उस जगह पे पहुंच गए जहां आप पहुंचना चाह रहे थे, तो जो contentment मेरे अंदर आएगा ना, तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई बदल नहीं है, उसका कोई इक्विवेलेंस नहीं है। बिल्कुल, एंड दैट आई थिंक इज द रियल हैप्पीनेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर किसी को कुछ ड्यूटी में हो जाता है तो उनके परिवार पे उनको कुछ मिलता है, आज के डेट में क्या वो एनफ है या फिर गवर्नमेंट को उस चीज में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी कर लीजिए, लाइफ का कोई भी कंपनसेशन नहीं। वो तो जाहिर सी बात है, सो मेनी ऑफ अस हैव लॉस्ट आवर नियर एंड डियर वंस टू द कोविड। गवर्नमेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंसिडरेट हैं, और इन लाइन ऑफ ड्यूटी अगर किसी का डेथ हो जाए तो उसको
गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिलता है और घर के एक आदमी को नौ जॉब की भी ऑफर होती है कुछ केसेस में जिसको हम अनकंपा कहते हैं, और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करती है। अच्छा, जैसे हम नक्सल एरिया में मैंने काम किया हुआ है, अभी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, द रिस्क ऑफ लाइफ रिस्क टू लाइफ इज क्वाइट हाई, तो वहाँ के लिए डिफरेंट पैकेज है। अभी कोविड के लिए आप देखिए 50 लाख रुपये गवर्नमेंट ने एडिशनल इंश्योरेंस किया है फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, खुद हमारे 6 कांस्टेबल्स इसमें शहीद हो गए जो पास्ट अवे, उन सबको भी दिया गया है। इसके अलावा मैं यहाँ तो बल्कि ऑन रिकॉर्ड अप्रिशिएट करना चाहूँगा मैनकाइंड शर्मा को, उन्होंने 5 लाख रुपये पर फैमिली दिया है ऑफ ऑल द पुलिसमैन इन इंडिया डाइड ड्यू टू कोविड। इसी ढंग से और भी जैसे हमारी सैलरी लिंक स्कीम्स है जिस बैंक को हम देते हैं, उस बैंक से भी हमें एडिशनल इंश्योरेंस कवर मिलता है। ग्रुप इंश्योरेंस जैसे हमारा एक है, इंडिविजुअल लोगों के लिए भी इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं और उससे भी मदद हो जाती है। और एक बहुत अच्छी जो टेंडेंसी है ऑफिसर्स में, क्या होता है कि अगर किसी ब्रदर ऑफिसर का डेथ हो जाए या फॉर दैट मैटर किसी भी आदमी का, तो वी ऑल्सो कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवर ओन सैलरीज। अभी एक जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स के थे 2009 में गिलानी बादशाह, ही पास्ट अवे ड्यू टू कोविड, ब्रिलियंट ऑफिसर। अभी हम लोगों का एक ग्रुप है जो हम उनके दोस्त हैं, मैं समझता हूँ कि 20-20 लाख रुपये तो हम लोगों ने जमा किए अपने कंट्रीब्यूट करके, तो ऐसे और भी उनका बैच खुद का जो होगा वो करता है। तो आई थिंक कि अब ऑफिसर्स में ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है, फॉर दैट नॉट ओनली ऑफिसर्स फ्रॉम कॉन्स्टेबल ऑन वार्ड में बताऊँगा या किसी भी डिपार्टमेंट का, कि हम कोई एक एलोन एक एटम नहीं है, तो ऐसी चीज़ हम कर लेते हैं। नक्सल का स्पेशल पैकेज है बोल रहे हैं? हाँ, नक्सल एरियाज में जो काम करते हैं और समझिए इनकाउंटर हो गया और किसी वजह से डेथ हो गया इनकाउंटर में उनका, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुझे याद आया 1 करोड़ रुपया है, फिर नेक्स्ट किन को जॉब है, फिर कुछ ज़मीन की प्रोविजन है उसमें लैंड। तो सर ये जो पैकेज है दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट? फ्रॉम गवर्नमेंट। हाँ सर, इस जॉब में क्या हो जाता है कि एज यू ग्रो सीनियर तो बाकी उसके साथ जो अटेंडेंट बेनिफिट है वो भी बढ़ जाता है। जैसे आप समझिए कि हाउस का इंटरटेनमेंट जो है, जब मैं करियर में ज्वाइन हुआ तब मेरा इंटरटेनमेंट के 700 स्क्वायर फीट घर का होगा, लेकिन आज जिस पोजीशन में हूँ मैं उस पोजीशन में मेरा इंटरटेनमेंट उससे काफ़ी ज़्यादा है। उसी टाइम से मैं जब ASP था तो मेरे पास एक जिप्सी हुआ करती थी और वो लेकर के मैं जलगांव में आई वॉज पोस्टेड, एंड जलगांव में समर टेम्परेचर यूज टू बी 44-45 और धूल उड़ती रहती थी और मुझे विजिट्स में जाने पड़ते थे, लू चलता रहता है। हाँ, तो अब वो और आज के दिन में जब मैं कमिश्नर हो गया हूँ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो मेरी इंटरटेनमेंट डिफरेंट हो गया। बट इक्वल क्रेडिट टू यू ऑल्सो, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया तो अभी ग्रोथ देखा है। मैंने तो बहुत लोग करते हैं, एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फैकल्टीज फ्रॉम मसूरी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर संजीव चोपड़ा यूज़ से, कि सिविल सर्विस में क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, इंटेलिजेंट के साथ मेहनत करना ज़रूरी है। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस के साथ मेहनत, तो मेहनत किस डायरेक्शन, मतलब किस चीज पे? एक्चुअली मेरा 5वां सवाल आने वाला है वही, मेहनत राइट डायरेक्शन में। इसीलिए मेंटोरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या हो जाता है कि आपको एक गोल है कि आप यहाँ तक जाना चाहते हैं, रास्ता आपने कौन सा चूज करना है, और जब नॉलेज की बात आ जाती है, सिविल सर्विस इज ऑल अबाउट योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, आप सोचते कैसे हैं, आप क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज कैसी है, आपकी रीजनिंग कैसी है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, और मतलब आई एम अमेज्ड। एक कोई क्वेश्चन आप बता सकते हैं जो आपने फेस किया हो अर्ली डेज में, जो इस चीज़ को अभी मैं आपको बताऊं, आई रोट माय एग्जाम इन 1996। आपको मालूम है कि पोस्ट 1992 इंडिया लिबरलाइज होना स्टार्ट हुआ, इकोनॉमी स्टार्टेड ओपनिंग अप। मेरा पेपर ज्योग्राफी था, पहले ना नेट था ना मॉल्स थे, अब खुलने लगा ना, तो ज्योग्राफी मेरा वन ऑफ द ऑप्शन था। अब उसमें मुझे एक शॉर्ट नोट आ गया, इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, MNC आना शुरू हुए थे, राइट।
उस पे बस। हाँ, एमएनसी का इंडिया में आने से इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये एक नोट लिखना था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस वक्त तो किसी किताब में कभी ये सवाल भी नहीं उठता था कि ये कोई असेसमेंट वो कर सके। तो ये आप इसका रिप्लाई कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए था कि इकोनॉमी के कौन से सेक्टर ओपन अप हुए हैं। मैं आज 2021 में हूँ, मैं 96 की बात कर रहा हूँ, 96 में सारे सेक्टर्स ओपन नहीं थे। तो कौन से सेक्टर्स ओपन हुए, कौन से सेक्टर में एमएनसीज आ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि एमएनसी क्या चीज़ है, व्हाट इज़ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, वो कौन से सेक्टर में इंटरेस्टेड है, कौन से सेक्टर में वो कैपिटल अपना लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। क्यूरियोसिटी कौन सा हुआ था उस टाइम, मतलब कौन शुरू में? तो देखो, जब इकोनॉमी खुली थी ना, तो सबसे पहले तो कंज्यूमर सेक्टर में ही लोग आते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो कि ओपनिंग से पहले कौन सी टीवी आती थी? ओनिडा था और एक मिनट, बुश टाइप था, है ना? अब वो टिप्रॉन हुआ करता था, अप्ट्रॉन, उसके बाद डायनोरा हुआ करता था, सेलोरा। बुश मुझे याद है क्योंकि अप्ट्रॉन का टीवी ग्रैंडमदर के पास था, बुश का रेडियो था, विल्सन वाटसन कुछ था, एक ऐसे ब्रांड्स थे। अब क्या हुआ है कि जब ओपनिंग इकोनॉमी ओपन अप हुई तो आप देखिएगा कि लक्ष्मण सिलवानी आ गया, पैनासोनिक आ गया, और इस ढंग से सोनी आने लगे, पैनासोनिक और मोटोरोला, ये दोनों, ये कई टीवीज आने लगे। मैं एक टीवी की बात कर रहा हूँ उस ढंग से, और भी कई चीज़ों में कंज्यूमर ड्यूरेबल में सबसे पहले चीज़ें आने लगी। हिंदुस्तान लीवर ने बहुत कुछ किया यहाँ पे, उसके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप समझिए जिसको कहते हैं। इतना समझा हूँ सर कि पढ़ाई काफ़ी नहीं, और नर्व्स पकड़ना चाहिए कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो वो तो आंसर मुझे वहाँ बनाना पड़ा ना, सिविल सर्विस का एग्जाम का क्वेश्चन जो है ना, इस चैलेंज से नहीं होगा, नहीं हो सकता। मैं तो इनफैक्ट आई सैल्यूट टू दोस पीपल हु आर मेकिंग द क्वेश्चंस ऑफ सिविल सर्विसेज। आज तक मैं लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन देखा हूं, एक बार लेटेस्ट, मतलब वो आपके नफ्स पकड़ लेते हैं कि आप बेटा तो समझा कि नहीं समझा है। बताइए सर, एक नया वाला क्वेश्चन हिस्ट्री में और जीएस में, कि चंद्रगुप्त टू जो गुप्ता डायनेस्टी का किंग था, उसके ज़माने में ही आर्ट कल्चर लिटरेचर को इतना डेवलपमेंट क्यों मिला? कालिदास उनके इसमें थे, दरबार में थे, और उस ज़माने में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लिटरेचर का हुआ है, आर्ट का। उसके दौर में ही क्यों हुआ? उसके दौर ही में क्यों हुआ? इसका आंसर कहीं नहीं है बुक में, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बच्चा लिखे, मेरे पास कैंडिडेट लिखा है मेरे पास कि सर ये इसका क्या लिखे हैं, आपने क्या बोला, मतलब क्या? मैंने उसको पूछा ये कि आर्ट और कल्चर डेवलप कब होता है? जब सारे फुलफिलमेंट, जब आपको रिलेटिव लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस है, ऑर्डर है और प्रॉस्पेरिटी है। आज कोविड है तो आप देख रहे हैं क्या कि फिल्म लिखने लोग जा रहे हैं और पैसा खर्चा कर रहे हैं आर्ट के पीस खरीदने में? नहीं कर सकते, सबको पढ़िए कल मेरा क्या होगा, पैसा बचा कर रखो कि हॉस्पिटल में लग जाए। आप अगर लड़ाई कर रहे हैं, आप अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं, मार्केट हो रहा है, अनरेस्ट हो रहा है, स्विमिंग हो रहा है, तो आप आर्ट की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं राइटर हूँ, मैं पोएट हूँ, मेरी दो किताबें पब्लिश हैं, आई एम अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी स्टेट का, उसका प्राइज मिला हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इधर। तो बस अभी जाने का समय हो गया, इस इंटरव्यू का पार्ट टू जल्दी आपके सामने आएगा। तो सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।